फर्स्ट आर्टिकल कोविड-19 पेंडेमिक का विमेन वर्कर के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ है उससे रिलेटेड है। अगर हम नॉर्मल वे में बात करें तो वैसे ही एक जॉब में मैन के कंपैरिजन में विमेन का पार्टिसिपेशन कम है, मतलब हाउस होल्ड वर्कर के बाद बाहर जाकर के विमेन बहुत कम काम करती हैं। पहले ही जनरल वे में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है मैन और विमेन के बीच में, ठीक है। अगर टोटल वर्कर एज ग्रुप की बात करें, वर्कर लोगों की बात करें, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 18% विमेन वर्किंग एज विमेन काम करती हैं और 75% मैन काम करते हैं। मतलब 75% ऑफ मैन से कंपैरिजन किया जाए तो ओनली 18% विमेन काम करती हैं। इसके अलावा मेन रीजन क्या है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है दोनों के बीच में? उसका मेन रीजन है कि देखो, एक तो अच्छी जॉब्स महिलाओं के लिए जो सिक्योरिटी के साथ में अच्छी जॉब्स हों वो नहीं होती, बहुत सारे रिस्ट्रिक्टिव सोशल नॉर्म्स होते हैं। इसके अलावा विमेन जो होती हैं उनके ऊपर हाउस होल्ड वर्क का बर्डन भी होता है। यही मेन रीजन है कि जो विमेन हैं उनका पार्टिसिपेशन कम होता है एज ए वर्कर। अब अगर हम कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से देखें तो अभी एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि इंडिया में कोविड-19 का सिचुएशन, इस पेंडेमिक की वजह से जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा वर्सन हो गई है। नेशन वाइड जो लॉकडाउन है, पूरे इंडिया में जो लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, उसने मैन के कंपेरिजन में विमेन को ज़्यादा हिट किया था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड के कुछ डाटा सामने आए हैं जिसमें बोला गया है कि 61% ऑफ मेल वर्कर्स वो अनअफेक्टेड रहे कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, जबकि अगर वीमेन की रेशियो की बात करें तो 19% वीमेन ऐसी हैं जिन्होंने सिक्योरिटी के साथ में काम किया कोविड-19 पेंडेमिक के, मतलब उनको जॉब का कोई लॉस का कोई खतरा नहीं था कि उनकी जॉब चली जाएगी, इसका मतलब ये है। अगर आगे हम और डाटाज देखें, देखो इन डाटा का यूज़ कर सकते हैं हम मेंस आंसर राइटिंग में, तो ये डाटा जो है इनको आपको ध्यान में रहना चाहिए कि किस तरीके से कहाँ पर जीएस वन का जो पेपर होता है सो इसमें सोसाइटी भी आता है उसमें हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जीएस थ्री के जो डाटा है जिसमें इकोनॉमी रिलेटेड जो इशू आते हैं उसमें भी हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो 47% ऑफ एम्प्लॉयड वीमन वो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपनी जॉब खो दी थी, और अगर मैन का कंपैरिजन किया जाए तो मैन में से सिर्फ और सिर्फ 7% मैन ने अपनी जॉब खोई थी। अब ये जो 47% ऑफ एम्प्लॉयड वीमेन जिन्होंने अपनी जॉब्स लॉस्ट कर दी थी लॉकडाउन के दौरान, वो बाद में भी जब लॉकडाउन ओपन हुआ उसके बाद में भी वो काम पर नहीं लौटी। काम पर नहीं लौटने के भी कई कारण हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर आगे डाटा दे रखे हैं कि जब कोविड-19 का जो एक साल रहा उसमें बहुत सारी चीज़ें बदली, जैसे कि अब उन चीज़ें बदलने में हम देखें तो कोविड-19 से पहले 33% जो फॉर्मल सैलरीड पर्सन थे वो जब कोविड-19 पेंडेमिक आया, मतलब लेट 2019 से लेट 2020, ये एक साल का जो ड्यूरेशन रहा, इनमें से इन 33% फॉर्मल सैलरीड जो मैन थे वो उनमें से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चेंज हो गए 9% लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में सिर्फ 4% महिलाएं ऐसी थी जो फॉर्मल सैलरीड वीमेन से कहाँ चेंज हो गई, इनफॉर्मल में, और 3% ऐसी हैं जो डेली वेज वर्कर में भी चेंज हो गई। तो ये काफ़ी कम रेशियो है अगर कंपेरिजन किया जाए तो मैन की तुलना, मतलब उनकी जॉब लॉस्ट हो गई। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें मैन और वीमेन अच्छे से काम करते हैं, जैसे एजुकेशन सेक्टर में वीमेन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में काम करती हैं। इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें भी वीमेन काफ़ी काम करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन सेक्टर्स में भी जब जॉब से हटाने की बात आई तो वीमेन को पहले हटाया गया, मैन को रखा गया। अब कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में जो एक तो उन्होंने काम खो दिया, दूसरा जब कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान स्कूल बंद थी तो बच्चे स्कूल गए नहीं, उनके ऊपर हाउस का ज़्यादा वर्कलोड आ गया वीमेन के ऊपर, इसकी वजह से भी उनकी काफ़ी जॉब लॉस्ट हुई है। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें कि किस तरीके से कोशिश की जा सकती है इनके ऊपर कि महिलाओं की दोबारा से जो लेवल है वो इक्वल आए मैन के तुलना में,
सबसे पहली बात हम कर सकते हैं, पहले भी हमने देखो जब जॉब के बारे में देखा है कि अर्बन एरियाज़ में काफ़ी लॉस हो रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है लोगों को जीने के लिए, तो सेम आइडियाज़ हमने वहाँ भी डिस्कस किए थे, पहले भी आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं कि जो मनरेगा में अभी 100 डेज़ का रोज़गार दिया जाता है, एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, उसको इनक्रीज़ किया जाना चाहिए 200 डेज़ तक। इसके अलावा जैसे गांव में मनरेगा है वैसे ही अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी होनी चाहिए, जिसमें स्पेशली टारगेट किया जाए वीमेन को, ताकि वीमेन इसमें काम कर सकें। इसके अलावा स्टेट्स को कोऑर्डिनेट करके आपस में महिलाओं के लिए कम्युनिटी किचन्स ओपन की जानी चाहिए, जहां पर वो काम कर सके, बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जहां पर इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स को, मतलब पीपीई जो किट्स हैं उनको बना सकते हैं, और उसमें हम महिलाओं की सहायता ले सकते हैं ताकि उनको जॉब मिले। इसके अलावा COVID-19 पेंडेमिक के दौरान कम से कम 2.5 मिलियन जो लोग हैं, सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इसमें से ज़्यादातर महिलाएं, इनको शामिल किया जाना चाहिए, और लगभग 6 महीने तक हर महीने 5,000 रुपये गवर्नमेंट इनको दे हार्डशिप अलाउंस के लिए, ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर पाएँ। इसके अलावा नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जो करंटली काम कर रही है, लेकिन इसमें कुछ सिस्टमेटिकली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनमें चेंजेस होने चाहिए ताकि जो वीमेन का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन है वो बढ़ सके। इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेसेसिटी है बहुत ज़्यादा एडेक्वेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसके अलावा यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज जो प्रोग्राम है उसको बोल्ड करने की आवश्यकता है। बहुत सारे हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड एंड एल्डरली केयर, इन सब के लिए काम करना होगा, क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक की वजह से लोगों की जॉब गई है। जॉब गई तो लोगों के पास पैसा नहीं था, अच्छा उन्होंने खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, न्यूट्रिशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया, इसकी वजह से हो सकता है हमें फ्यूचर में काफ़ी शॉक लगे, तो उनके लिए हमें अभी से प्रिपेयर्ड रहना है। आगे होने वाले समय में और सारी न्यूट्रिशन, एजुकेशनल डेफिसिट क्रिएट हो सकते हैं, तो इन क्राइसिस से बचने के लिए भी, इन क्राइसिस को फेस करने के लिए भी हमें तैयार रहना होगा। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं उनको लेकर के। इंडिया चाइना रिलेशंस की अगर हम बात करें तो बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया चाइना रिलेशन लास्ट ईयर जब COVID-19 पेंडेमिक के दौरान हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस पर काफ़ी इशू हुआ था। अब पहले तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने कुछ नहीं बोला, उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं है, ज़्यादा इंट्रूजन नहीं है, नॉर्मल डेली रूटीन के इवेंट हैं ये, तो ऐसा कुछ नहीं है कि चाइना हमारे अंदर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे विदेशी बहुत सारी सैटेलाइट्स की कुछ इमेजेस सामने आई और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्राइवेट जो न्यूज़ मेकर्स हैं उन्होंने जब अपने आर्टिकल्स लिखे, तो ये बात जब उठने लगी कि नहीं चाइना तो हमारी जो लाइंस है उसके अंदर आ रहा है, तब जाकर के गवर्नमेंट ने बोला। पहले तो उसको छिपा करके रखा, बाद में इसमें बोला। देखो इस आर्टिकल के जो राइटर हैं ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स को उठाया है कि नहीं ऐसे हो रहा है, चाइना हमारे ऊपर डोमिनेट कर रहा है, इस आर्टिकल में यही देखने को मिला है। तो हमें तो देखो जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उनको हमें उठाना है। अब प्रॉब्लम क्या है, पिछले साल हमने देखा 7 पॉइंट्स के ऊपर देपसांग प्लेन्स, गालवान, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो लेक, कैलाश रेंज एंड देमजोक पॉइंट, इन पॉइंट्स के ऊपर चाइना आगे आ जाता है, इनके ऊपर क्राइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि पिछले साल गालवान वैली में जून 2020 की बात है, हमारे प्रॉब्लम होती है, हमारे बहुत सारे सोल्जर 20 सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हो जाते हैं, लेकिन वहाँ का जो इशू है वो उसी समय सोल्व हो जाता है। अब प्रॉब्लम कितने पॉइंट पर, इन सारे पॉइंट्स पर हुई थी। अब उसके बाद में क्या होता है कि चाइना बात ही नहीं सुनता। अब इंडिया क्या करता है कि इंडिया अपना पॉइंट उठाता है, पेंगोंग सो लेक का जो नॉर्दर्न बैंक है उस पर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया, इंडिया ने सदर्न बैंक के जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कब्जा किया। चाइना को लगा कि इस तरीके से तो काउंटर करेगा इंडिया, तो चाइना कहाँ आया, बातचीत पर आया, एग्रीमेंट पर आया, बोला कि बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और पेंगोंग सो जो लेक है उसके ऊपर डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बोला गया था कि जब पेंगोंग सो लेक से डिसएंगेजमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा उसके कुछ समय के बाद में ही, ये हमारे मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, कि हम और पॉइंट्स पे जो प्रॉब्लम है उनको भी सोल्व कर लेंगे। अब इस आर्टिकल में यही बोला गया है कि यहाँ पर गालवान और पेंगोंग सो लेक
यहाँ पर तो पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, लेकिन इन पर क्या? ये तो चाइना की, हमने पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया है कि चाइना की नीति है कि दो कदम आगे जाओ एक कदम पीछे आओ, मतलब एक कदम का हर बार आप मार्जिन लेते जा रहे हो इस तरीके से। तो अगर चाइना मार्जिन लेने लगा तो हमारा जो लद्दाख यूटी है उसको काफ़ी कैप्चर कर लेगा चाइना, इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश वाला हमारा रीजन है उसको काफ़ी कैप्चर कर लेगा। ये तो प्रॉब्लम है ना, इसके ऊपर तो क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए इस चीज़ का। अब ये जो बॉर्डर क्राइसिस है ये काफ़ी बड़ा इशू है, और ये बोला गया था कि 48 आवर्स में कंप्लीट डिसंगेजमेंट हो जाएगा जैसे ही पेंगोंग सो लेक वाले एरिया में प्रॉब्लम सोल्व होती है, उसके बाद में 48 आवर्स में सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या हो जाएगा, जो डिसंगेजमेंट प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये अनाउंसमेंट की थी, ठीक है। अब ये हमने देखा कि चाइना बोलता कुछ है और करता कुछ है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है ना, देखो ये तो बॉर्डर क्राइसिस हो गया, अब हम देखते हैं COVID-19 पेंडेमिक से रिलेट करके इस चीज़ को। COVID-19 पेंडेमिक के दौरान आपने भी देखा होगा कि जो सेकंड वेव है उसने इंडिया को काफ़ी इफेक्ट किया। फर्स्ट वेव में इंडिया ने अच्छे से काउंटर कर लिया था, खुद को बचा लिया था, और वैक्सीन का प्रोडक्शन जब इंडिया ने किया तो पूरे वर्ल्ड में उसकी सप्लाई की। वैक्सीन मैत्री जो प्रोग्राम है उसके तहत पूरे वर्ल्ड में लगभग 90 कंट्रीज़ को इंडिया ने एक्सपोर्ट की है अपनी वैक्सीन। इसके अलावा जो हमारे पड़ोसी देश हैं श्रीलंका बांग्लादेश, उनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिए और उनको वैक्सीन दी। अब COVID-19 की सेकेंड वेव आती है, वो हमारे इंडिया को बुरी तरह से इफेक्ट करती है। इफेक्ट करने के बाद में इंडिया जो है उन एग्रीमेंट्स पर काम नहीं कर पाता और बोलता है कि नहीं नहीं COVID-19 की जो वैक्सीन है वो हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इस पॉइंट को चाइना ने उठा लिया। चाइना बोलता है कि देखो इंडिया विश्वास लायक नहीं है, जैसे ही उसको पर्सनल इशू हुआ सबको बंद कर दिया, एग्रीमेंट साइन किया फिर भी है, मैं ही हूँ आपका सच्चा साथी, हर प्रॉब्लम में आपका साथ दूंगा। और चाइना ने हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनको वैक्सीन भी भेजी। इसके अलावा COVID-19 जब से चला है तब से उन्होंने साउथ एशिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में लगभग 3 से 4 बार वर्चुअल मीटिंग भी की है कि इस पेंडेमिक से साउथ एशिया किस तरीके से बाहर निकल सकता है, और सारे देश अगर साथ मिलकर के काम करेंगे तो इस प्रॉब्लम से हम अच्छे से निकल पाएंगे। एक तरीके से चाइना काउंटर करने की कोशिश कर रहा है इंडिया को। इंडिया को काउंटर करने का चाइना का एक रीज़न तो ये है कि साउथ एशिया में इंडिया की किरकिरी हो, दूसरी प्रॉब्लम ये है कि US जो है वो इंडिया के ऊपर काफ़ी रिलाई करता है। रिलाई करने का कारण क्या है कि अभी क्वेड की जो मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया के ऊपर ज़्यादा विश्वास जताया है US ने कि हम एक वैक्सीन प्रोग्राम चलाएंगे 2022 तक एंड तक, इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है इसमें वैक्सीन दी जाएगी, और इसमें इंडिया का जो वैक्सीन प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा डेवलप है, हम उसका यूज करेंगे। US है वो सप्लाई करेगा रॉ मटेरियल की, इंडिया प्रोडक्शन करेगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया उसको पहुँचाएंगे इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन इस जो प्रॉब्लम है, चाइना चाहता है कि इंडिया की जब ये बात सामने आए कि इंडिया के पास तो खुद के पास ही रिसोर्सेज नहीं है तो वो कहाँ से देगा, तो इंडिया US चाइना चाहता है कि US जो रिलाई करता है इंडिया के ऊपर, क्यों? क्योंकि रिलाई करता है किसके लिए, कि चाइना को काउंटर कर सके। तो जब इंडिया के ऊपर रिलाई नहीं करेगा तो US जो है US के साथ जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट है चाइना का वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो कोई भी जो नेबरिंग कंट्रीज को जो काउंटर करने की कोशिश नहीं करेगा तो रिलेशन जो है वो उनके हेल्दी हो सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि चाइना जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान से भी हमेशा इश्यू क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इंडिया को पता है कि एक टाइम हम दो प्रॉब्लम्स नहीं सहन कर सकते, इसीलिए UAE एज ए मीडिएटर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रोल निभा रहा है ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सोल्व हो सकें। और इसीलिए हमने 2003 की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी, जो बॉर्डर इशूज हैं उनको सोल्व किया है, जो एग्रीमेंट था उसके ऊपर वापस आए हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है कि ये जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है इससे थोड़ा सा हमें बचना है इस समय, क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक से वैसे ही इफेक्टेड हैं, और अगर चाइना की स्ट्रेटजी में हम शामिल हो गए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब इस समय सेकेंड वेव के दौरान क्या हो रहा है कि सभी देशों ने इंडिया की सहायता की है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स भेजे हैं, वैक्सीन भेजी हैं, COVID-19 से रिलेटेड ऑक्सीजन वेंटिलेटर्स भेजे हैं, बहुत सारी चीज़ें इंडिया को सपोर्ट की। चाइना ने भी सपोर्ट किया है, चाइना ने पर एड नहीं दी है, चाइना ने बिजनेस किया है, ट्रेड के तहत हमने इंडिया से चाइना से चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन चाइना उसको इस तरीके से दिखा रहा है कि हमने तो एड दी है, हमने असिस्टेंस दिया है चाइना को, इंडिया को।
तो इंडिया ने ये बात बोली, क्लियर बोली है कि ये एज ए ट्रेड हमने वहाँ से चीज़ मंगवाई है, आपने सप्लाई जिस तरीके से नहीं की है, आप जो ट्विटर सोशल मीडिया का यूज़ करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि देखो बॉर्डर क्राइसिस होने के बाद में भी हमने इंडिया की हेल्प की, तो ऐसा नहीं है, ये तो ट्रेड है। ये ज़्यादा अपनी जो सिंपैथी है और जो कम्युनिकेशन आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो वो गलत है। इसके अलावा इंडिया और चाइना के बीच में ये भी इशू है कि चाइना बोलता है कि देखो बॉर्डर जो वाला जो इशू है वो अलग रहने दो, जो और प्रॉब्लम है वो अलग सोल्व करेंगे, ट्रेड है वो अलग रखेंगे, बिजनेस अलग है, और भी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ भी है हम अलग रखेंगे, बॉर्डर इशू अलग है। लेकिन इंडिया बोलता है नहीं, सब कुछ सेम है, हम इक्वल हैं, हम सब कुछ इक्वलिटी मानते हैं, इंडिया को अगर एक चीज़ से इशू है तो सब जगह इशू है। ठीक है, तो ये इंडिया और चाइना की हमने रिलेशन को देखने की कोशिश की कि किस तरीके से इंडिया और चाइना एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइब्यूनल की बात है। इस आर्टिकल में अभी आपने देखा होगा कि एक ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 पास आया है और इस ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि बहुत सारे जो हमारे ट्राइब्यूनल्स थे जो ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे उनको ख़त्म करने की कोशिश की है, इन जुडिशियल बॉडीज़ को, ये इस ऑर्डिनेंस के थ्रू। अब प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो ट्राइब्यूनल्स थे ना इनको लेकर के बहुत सारे इशू थे, ये ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे। अब इसको लेकर के शार्प क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। ठीक है, इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन को गठित करने का समय आ गया है। ये जो ऑर्डिनेंस है इसमें कुछ चीज़ें क्लियर की गई हैं, जैसे कि जो इस समय ट्राइब्यूनल को एक तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है। इससे पहले 2017 में एक फाइनेंस एक्ट आया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया था कि इन ट्राइब्यूनल्स की सर्विसेज, कंडीशंस, टर्म्स, इनमें कितने मेंबर्स होंगे, सिलेक्शन सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, जो 19 ट्राइब्यूनल्स हैं उन सब के बारे में एक क्या बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, वो सब कुछ डिस्कस करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इसमें जो ट्राइब्यूनल्स को अबोलिश कर दिया गया, उनको ख़त्म करने की बात की गई है, उसको लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों किया गया है ये, इसका जब गवर्नमेंट से पूछा गया तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो जो ये ट्राइब्यूनल जिनको अबोलिश किया गया है वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत लंबे समय तक समय खींच रहे थे, और जो पार्टी जिनके केसेस चल रहे हैं ट्राइब्यूनल वो तो चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी केस सोल्व हो। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेरेंस है वो भी काफ़ी देखने को मिल रहा था इन ट्राइब्यूनल्स में, और ये तो गलत है। सेपरेशन ऑफ पावर्स के जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो हमारा फाउंडेशन है उसके खिलाफ है। अब इस ऑर्डिनेंस को लेकर के कुछ क्रिटिसिज्म हैं, शार्प क्रिटिसिज्म की गई हैं, जैसे कि इन जो कुछ ट्राइब्यूनल को आपने ख़त्म किया उस ट्राइब्यूनल को लेकर के, जैसे आपने फिल्म सर्टिफिकेट एपिलेट ट्राइब्यूनल को ख़त्म कर दिया, लेकिन कोई स्टेक होल्डर जो इससे रिलेटेड है, फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, उनसे ना तो आपने कंसल्ट किया, किस आधार पे आपने उसको ख़त्म कर दिया, भाई बताओ तो सही कि किस आधार पे ख़त्म कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि रोजर मैथ्यू वर्सेज साउथ इंडिया बैंक 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दी थी कि जब भी आप किसी ट्राइब्यूनल को ख़त्म करोगे तो उसका क्या जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट आप जांच करोगे और तब आप ऐसा कर पाओगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया इस समय जब इन ट्राइब्यूनल्स को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में कुछ सजेशंस दिए गए थे, उसमें ये बोला गया था कि एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का जो कंपोजिशन है वो कोशिश करेगी, और उसमें जो चेयरपर्सन हैं, मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल्स हैं, इसमें उनकी फाइव ईयर्स डिसाइड की गई थी कि 5 साल तक उनका टर्म होना चाहिए, लेकिन अब जो इस ऑर्डिनेंस में बात क्लियर हुई है कि 4 साल तक इन ट्राइब्यूनल्स के जो मेंबर्स होंगे उनकी 4 साल टेन्योर होएगा, तो ये चीज़ नहीं मानी गई। दूसरा ये बोला गया था कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन के लिए सेंटर ने अभी तक इसको कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया है, बल्कि 1997 का एक केसेज है एल चंद्र कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बात आई थी कि नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन को गठित करो, और अभी तक इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं किया गया है। ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन जो सभी ट्राइब्यूनल्स को फंक्शनिंग को देखेगा, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सोल्व करने की कोशिश करेगा। अब या आगे इसमें जो एनटीसी है,
एनटीसी के बारे में, मतलब नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन के कंस्टिट्यूट करने के बारे में जो फेवर हैं वो बातें डिसाइड की गई हैं। देखो जब नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन हो जाएगा तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है इन ट्राइब्यूनल में, सबसे पहले तो वो कम होगा। दूसरा, अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री देख रहा है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को, वो कम हो जाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम होगा, नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन खुद देखेगा हर चीज़ को लेकर के। गवर्नमेंट को किसी ट्राइब्यूनल से जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो ना तो उसको पर्सनल प्रोवाइड करता है ना उसके लिए पैसा खर्च करता है, तो जब नेशनल ट्राइब्यूनल कमीशन होगा तो वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डिफ्रेंशिएट किए सभी को इक्वली मान करके, एज ए सबको इंडिपेंडेंट होकर के काम करेगा। ये जो एनटीसी है, जिस तरीके से एक कोई कॉरपोरेशन होता है, एक कंपनी होती है, उसका खुद का सीईओ, बोर्ड, सेक्रेटरेट होता है, सेम इसी तरीके से एनटीसी का होगा और ये जो एनटीसी है ऐसे ही काम कर पाएगा। तो ये हमने एनटीसी के फेवर में कुछ पॉइंट्स को देखा। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल का डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।